हेलो एवरीवन, आज हम एक सॉल्व करेंगे एग्जांपल बेस्ड ऑन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बाय अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड। सो हियर दिस इज द एग्जांपल। पॉपुलेशन डेटा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द पास्ट सेंसस रिकॉर्ड एंड वी हैव टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2011 बाय अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिकल इंक्रीज एंड इंक्रीमेंटल इंक्रीज। सो टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट दिस अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड। So here this is the data, year from 1931 to 1991, the population values are given 12,000 to 74,100. And also we have to estimate the domestic water requirement in year 2011 if it is decided that water supply rate jo hai hamara 180 liters per capita per day hai. So for this we should know ki arithmetic increase method kya hota hai. सो बेसिकली उसमें हम ये एजम्पशन करते हैं कि जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है पर डिकेड इट इज कांस्टेंट, मींस डीपी बाय डीटी इज के एंड दिस पीएन मींस फ्यूचर पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ योर डिकेड इज इक्वल टू पी दैट इज प्रेजेंट पॉपुलेशन जो हमको लास्ट पता है वो प्लस एन इंटू आई। एन इज नंबर ऑफ डिकेड्स एंड आई इज एवरेज इंक्रीमेंट फॉर अ डिकेड। डिकेड मतलब 10 ईयर्स का टाइम पीरियड, उसे हम डेकेड या डिकेड बोलते हैं। सो दिस मेथड जनरली यूज्ड फॉर द लार्ज एंड एस्टैब्लिश सिटीज जिनका जो पॉपुलेशन है वो सेचुरेशन लेवल पे आ चुका है और ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, उसमें नॉर्मली ये मेथड यूज होता है। सो दिस इज वेरी सिंपल मेथड। सो हियर वी कैन सी दैट वी हैव टू मेक वन टेबल। सो इन कॉलम वन वी हैव केप्ट ऑल दिस ईयर्स 1931 टू 1991 and then as per the data we have to write down the population 12,000, 16,500 and 74,100. now increment per decade matlab ki per 10 years mein kitna increment ya increase ho raha hai population, so simply you have to take the some direction of present population। मतलब हम देखें कि 1941 में एज कम्पेयर टू 1931 कितना इंक्रीमेंट हुआ। सो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसमें से हमको प्रीवियस ईयर्स का पॉपुलेशन माइनस करना होगा। सो 16,500 माइनस 12,000 सो यू विल गेट 4,500। सिमिलरली 51 का जो पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू 41 कितना कम सॉरी ज़्यादा हुआ। सो दैट वी हैव टू डिडक्ट 26,800 माइनस 16,500 and you can get 10,300 and so on, you can calculate for each and every decade up to 1991. So when you have to find out average increment per decade, मतलब कि ये पूरे जितने भी हमको मिले हैं ये particular 10 years के increment या increase in population मिले हैं और उसका हमको total करना है और उसमें से हमको average value निकालना है। So here you can see there are 6 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 62,100 that is the total and divide by 6 you can get average increment per decade, मतलब 10 साल में कितना average increment हो रहा है population में। So for this we have to apply this formula now. So Pn is equal to existing population plus n into i. So everything is known to us now. So population जो last हमको पता है वो 1991 का पॉपुलेशन है 74,100 जो यहाँ पे हमको लास्ट पता है। देन एन इज नंबर ऑफ डिकेड्स। डिकेड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारा पॉपुलेशन 2011 में फाइंड आउट करना है, 1991 हमारा लास्ट डिकेड है, डिवाइडेड बाय 10 सो नंबर ऑफ डिकेड्स एन इज 2। आई इज एवरेज इंक्रीज पर डिकेड, सो दिस एवरेज इंक्रीज पर 10 ईयर्स वी हैव ऑब्टेंड एज 10,350। So this is from the table we got all this data and this PN is equal to 74,100 that is existing population plus N that is 2 and average incremental per decade that is 10,350 you will get 94,800. Means in year 2011 we are having population of 94,800. This we have predicted based on simple arithmetic इंक्रीज मेथड। अभी हमको पानी का रिक्वायरमेंट जानना है इन द ईयर 2011 और उसका जो वाटर डिमांड है वो एज्यूम किया है 180 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना, ये जो भी पॉपुलेशन आया है उसको ये वाटर डिमांड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी लीटर्स पर डे में।
और जब हम उसको 10^6 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलियन लीटर पर डे मिलेगा, और इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, तो 17,064 मीटर क्यूब पर डे हमें फ्लो मिलेगा। सो दिस फ्लो यू कैन कन्वर्ट इट इंटू एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर डिजाइन ऑफ योर पर्टिकुलर यूनिट। सो सेवन दिस इज मीटर क्यूब पर डे, इन वन डे देर आर 24 आवर्स, तो डिवाइड बाई 24 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 711, दैट इज मीटर क्यूब पर आवर। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो जब आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो आपको 11.85 मीटर क्यूब पर मिनट मिलेगा, और जब उसको वापस 60 से डिवाइड करोगे, बिकॉज 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, यू विल गेट फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस वे यू कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर पॉपुलेशन यूजिंग दिस सिंपल इक्वेशन पी एन इज इक्वल टू पी प्लस एन आई बाई एरिथमेटिकल इंक्रीज मैथड। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।